वेलकम टू ऑल रीडर्स। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस। प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस क्या है, ध्यान दें, पहचान है, पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, आप शब्द आते हैं। रूल देखिए इसका क्या है, यानी प्रेजेंट इन्फिनिटिव प्रचालित वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आप शब्द आते हैं। क्या है, एक वचन, एक वचन कर्ताओं के साथ यस या यस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है, हम गीत गाते हैं। नियम कह रहा है कि एक वचनकर्ताओं के साथ ऐसे यश लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ ऐसे यश नहीं लगाते हैं। मोहन एक वचन है, मोहन स्कूल जाता है, क्या होगा, मोहन जाना की होती को ये समझाया गोज टू स्कूल, हम गीत गाते हैं वी सिंग अ सॉन्ग। अफर्मेटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब देखें निगेटिव। नकारात्मक, एक वचन नकारात्मक के साथ, एक वचन के साथ जड़ना तथा बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ के साथ डूना का प्रयोग करते हैं। यस या यस नहीं लगाते, यस या यस नहीं लगाते, यस या यस नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए, हम मैच नहीं खेलते, हम मैच नहीं खेलते, क्या होगा, वी बहुवचन बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट, अगर हम की जगह पे राम होता तो बजना, तो वी डू नॉट प्ले द मैच। We do not play damage। अब देखें इंटरोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई ई, इंटरोगेटिव देखें कि एक वचन
जग तथा बहुवचन में तथा बहुवचन में डू का प्रयोग पहले करते हैं। डू का प्रयोग पहले करते हैं, पहले करते हैं। अब इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखें, क्या राम गीत गाता है, प्रश्नवाचक। तो राम एक वचन है, तो क्या नियम कह रहा है एक वचन में डज तथा बहुवचन में डू का प्रयोग पहले करते हैं, यस है यस नहीं कराते। तो क्या होगा, डज राम सिंग द सॉन्ग। ट्राई अगेन, प्रेजेंट बी टेंस पहचान वाक्यों के अंत में ता है कि है ते हैं आसन आते हैं। एक वचन कर्ताओं के साथ यस या यस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन एक वचन है तो मोहन गोज टू स्कूल। हम गीत गाते हैं तो वी बहुवचन है, वी सिंगा सा सिक्स नहीं होगा। निगेटिव देखिए कि एक वचन के साथ गजनाथ तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ टू नाट का प्रयोग करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। हम मैच नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले द मैच। अगर यहाँ पे हम की जगह पे राम होता तो राम डज नॉट प्ले द मैच होता। इंटरगेटिव देखिए, एक वचन में डज तथा बहुवचन में डू का प्रयोग पहले करते हैं, यस या यस नहीं लगाते। एक वचन में डज तथा बहुवचन में डू का प्रयोग पहले करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। क्या राम गीत गाता है, राम एक वचन से डज राम सिंग द सॉन्ग। आशा करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट वी टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों को अगले टेंस में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और प्रेजेंट वी टेंस आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए जो भी टेंस हैं, क्योंकि एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी हमारी इसी टेंसों पर निर्भर हैं। हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।